There you have just seen the short story of Arena Multimedia. Now I'm going to show some more stuff regarding Arena Multimedia North, Nazmabad. You must have liked this stuff. Now I am going to show some faculties and staffs interviews. My name is Tariq Habib and I am working in Arena Multimedia as a franchisee. Arena Multimedia is a worldwide institution which has almost 800 branches worldwide. पाकिस्तान में अरीना मल्टीमीडिया ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1998 में और मुझे अरीना के एसोसिएशन में तकरीबन 12 से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। जिस वक्त हमने अरीना का ऑपरेशन स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, उस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर ये इन्वॉल्व था पाकिस्तान में लाने के लिए अरीना को, क्योंकि यहाँ पर एक तो मीडिया एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं थी, ना ही कोई मीडिया ऐसा उसको मार्केट में बूम पर जा रहा था जिसकी वजह से हमें कहें कि जी हमारा आने वाला वक्त स्पीड के लिए अच्छा है, हम लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि जी ये स्पीड इंडस्ट्री में उनका करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर इंडस्ट्रीज। लेकिन हमने रिस्क लिया और 2000 के बाद से जो यहाँ पे बूम स्टार्ट हुआ है कि पहले एक चैनल आया, क्या फिर दो चैनल आया और अब मोर देन 100+ चैनल से पाकिस्तान में इस पर काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन चैनल्स पे काम करने के लिए अगर आप मैन पावर की बात करते हैं तो बेस्ट उसमें अरीना ही है जिसने सबसे ज़्यादा मैन पावर यहाँ पर सप्लाई किया। अरीना इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है और नॉर्थ नाज़माबाद सेंटर जो हम जिसकी इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं से जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने इस डिकेड के अंदर ऑलमोस्ट 4000 मल्टीमीडिया प्रोफेशनल मार्केट में भेजे हैं और जो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर्विसेज अपने हैंडल कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके टीवी चैनल्स हैं, आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, आपके टेक्सटाइल या आपके फैशन, ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट अब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रीज़ की बेसिस बन चुकी है। तो जो भी इशू यहाँ से कोर्सेज करता है वो ना सिर्फ ये नहीं है किसी मीडिया में ही जाएगा या मीडिया इंडस्ट्री में जाएगा, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को परसू कर सकता है रिगार्डिंग द कैरियर। अरीना के साथ एसोसिएशन में 10 साल में अरीना नॉर्थ नाज़माबाद सेंटर ने ऑलमोस्ट मोर देन 4000 मल्टीमीडिया प्रोफेशनल मार्केट किया जो कि डिफरेंट मल्टीमीडिया इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस एंडर कर। इसी चीज़ को देखते हुए मतलब इस साल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड अरीना नॉर्थ नाज़माबाद को क्लेम किया गया और ये बहुत अच्छी बात है नॉर्थ नाज़माबाद के लिए कि मतलब ऑल अमंग अरीना मल्टीमीडिया सेंटर वी क्लेम द बेस्ट सेंटर। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिनेटली जो मैन पावर यहाँ से जा रही है, जो इशू यहाँ से कोर्सेज कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है इस चीज़ के लिए जिन्होंने इस चीज़ में काम किया। इन फ्यूचर मैं सिर्फ यही बोलूँगा जो भी अरीना के में आता है कोर्स करने के लिए तो वो इसको बिल्कुल एक बियॉन्ड इमेजिनेशन सोच के आ सकता है कि यहाँ पर उनका करियर बहुत सिक्योर्ड है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, जिस टाइप की स्किल्स यहाँ से दी जा रही हैं उस टाइप की स्किल्स आपको लेनी भी है, मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है, ठीक है, कंपैरेटिवली अदर डिग्रीज लाइक अगर आप लॉ डिग्री करते हैं उसके बनस्बत ये ज़्यादा मेहनत इसलिए मांगता है कि आर्ट बेस्ड एजुकेशन है और कंप्यूटर डेफिनेटली इसका एक वैल्यूएशन में मैंडेटरी पार्ट है। बाकी यही है कि इन फ्यूचर मैं यही सोचता हूँ कि आने वाले वक्तों में अरीना को मैं चाहता ये हूँ कि पाकिस्तान में एक चैनल भी हो अरीना के नाम पर जो कि यहीं के जो हमारे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं सीख रहे हैं उन लोगों का हम डायरेक्टली मार्केट में पब्लिसाइज़ करें।